बाबा जन्म के कुछ जन्म लिए। अरे सर नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते करो। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में दावेदार प्रतिदिन विभिन्न इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम के चक्करपुर में बादशाहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम में राव नरबीर ने वहां के पूर्व सरपंच महेश यादव द्वारा नए ट्रैक्टर ट्रॉली और जेटिंग मशीन के उद्घाटन में हिस्सा लिया। इस मौके पर द ग्राउंड न्यूज के संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि आप विभिन्न इलाकों में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का कितना समर्थन मिलता नजर आ रहा है, तो राव नरबीर सिंह ने जवाब दिया, लोगों की भीड़ और उनके चेहरों की खुशी से यह साफ पता चल रहा है कि लोग एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए मन बना रहे हैं। खास तौर से दक्षिण हरियाणा में लोग भाजपा को समर्थन देने के लिए उत्साहित है। भाजपा ने अच्छे काम किए हैं और आने वाले समय में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। आपको बता दें कि राव नरबीर सिंह 2014 से 2019 तक बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक थे और मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। 2019 में किसी कारणवश उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन इस बार फिर से राव नरबीर सिंह चुनावी रण में उतरने को तैयार है और मजबूती से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राव नरबीर सिंह ने जनता से अपील की कि वे भाजपा को भारी बहुमत से जिताएं ताकि हरियाणा का विकास तेजी से हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है और आने वाले समय में भी विकास की गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध। चेहरे से लोगों की भीड़ से लगता है कि लोग मन बना रहे हैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। हमारा हरियाणा में और खासतौर से दक्षिण हरियाणा आतुर है कि भाजपा ने अच्छे काम किए, आने वाले समय में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी।